हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंगल पार्टिकल मोशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अभी दो दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक क्विज में एक क्वेश्चन डाला था, जो कि था प्लाज्मा इज अ डैश मटीरियल। 76% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था और उन्होंने डायमैग्नेटिक को चूज किया था। प्लाज्मा जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। और इसी क्विज के कमेंट सेक्शन में ग्रीश नाम के स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर इसे एक्सप्लेन भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा का डायमैग्नेटिक नेचर है, प्लाज्मा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्यों होता है, उसका जवाब भी आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमें सिंगल पार्टिकल मोशंस को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, आप जानते हैं ये कंसिस्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन से एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। प्लाज्मा जो है वो कभी कभी फ्लूइड्स की तरह बिहेव करता है और कभी कभी ये एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, मींस कलेक्टिव नेचर शो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मा की डेंसिटीज होती हैं वो इंटरमीडिएट रेंज में फॉल करती हैं। प्लाज्मा की डेंसिटी ना तो हायर साइड में होती है ना ही लोअर साइड में होती है, इसलिए प्लाज्मा जो है कभी कभी फ्लूइड्स की तरह बिहेव करता है और कभी कभी एज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो प्लाज्मा की इसी डबल पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं स्किजोफ्रेनिक पर्सनैलिटी। मीन्स यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो दोहरी पर्सनैलिटी जो है वो एग्जिबिट करता है। प्लाज्मा की इस पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या रहने वाला है, हमें ये देखना होगा कि प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरह बिहेव करते हैं। प्लाज्मा पार्टिकल्स क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरह का मोशन जो है वो शो करते हैं, ये आज के इस लेक्चर के एंड तक आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बनाएंगे सिंगल पार्टिकल मोशंस। What makes plasma particularly difficult to analyze is the fact that the densities fall in an intermediate range. Plasma को समझ पाना थोड़ा, analyze कर पाना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल रहता है, क्योंकि plasma की जो densities हैं वो intermediate range में lie करती हैं, ना तो इसकी density ज़्यादा होती है ना कम होती है, इंटरमीडिएट रेंज में इसकी डेंसिटी जो है वो लाई करती है, इसलिए प्लाज्मा को एनालाइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। प्लाज्मा बिहेव समटाइम्स लाइक फ्लूइड्स एंड समटाइम्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। प्लाज्मा कभी तो फ्लूइड्स की तरह बिहेव करता है और कभी कभी एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है बिहेव करता है। द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग हाउ टू डील विद दिस स्किजोफ्रेनिक पर्सनैलिटी इज टू अंडरस्टैंड हाउ सिंगल पार्टिकल्स बिहेव इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। प्लाज्मा की इसी दोहरी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यह देखना पड़ेगा कि जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेव करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उनका मोशन जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है, वो हमें पहले समझना होगा। इसी कैटेगरी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लाज्मा पार्टिकल्स का मोशन स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे सिंगल पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो जो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे प्लाज्मा के ऊपर,
वो यूनिफॉर्म होगा, हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और वो डायरेक्शन होगी हमारे पास जेड डायरेक्शन। मींस बी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे बी के कैप, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो बी होगा, जो कि एक कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी। मींस इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। द लॉरेंट्ज़ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज गिवन बाय। जब भी कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में बी वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, उसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स एफ वेक्टर। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम एफ वेक्टर को लिख सकते हैं एम ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं डीवी वेक्टर बाय डीटी, तो ये बन जाएगा एम डीवी वेक्टर बाय डीटी इज इक्वल टू क्यू। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो आप डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहले आप v वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, हम मान लेते हैं vx के v वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं vx vy vz, और b वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ z एक्सिस के अलोंग होगा दैट इज b, और x एक्सिस और y एक्सिस में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 0 पुट कर देंगे। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और इस v वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम डी बाय डी टी। v वेक्टर को हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, दैट विल बी इक्वल टू क्यू आई कैप। तो पहले आप क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे b इंटू वी वाई माइनस वी जेड इंटू जीरो, तो ये बन जाएगा आपके पास b इंटू वी वाई माइनस जीरो, उसके बाद माइनस जे, उसके बाद आप ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा b इंटू वी एक्स मल्टीप्लाई वी जेड इंटू जीरो माइनस करके, तो आपको मिलेगा b वी एक्स माइनस जीरो प्लस k कैप। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे वी एक्स इंटू जीरो जीरो वी वाई इंटू जीरो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आ जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। आप डी बाई डी टी को तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एम डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप, साथ के साथ एम को मल्टीप्लाई करते जाइए प्लस एम डी वी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस एम डी बाई डी टी वी जेड के कैप, दैट विल बी इक्वल टू क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा क्यू बी वी वाई आई कैप। उसके बाद आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए क्यू बी इंटू वी एक्स, और साथ में यहाँ पर जे कैप आ जाएगा, और इस माइनस साइन को यहाँ पर लिख दीजिए प्लस जीरो के कैप, क्यू को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो सबसे पहले अगर हम आई कैप का कॉफिशियंट कंपेयर करें तो यहाँ पर आई कैप का कॉफिशियंट है एम डी वी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर आई कैप का कॉफिशियंट है क्यू बी वी वाई। अब हम इस एम को नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम बी वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, कॉन्स्टेंट है वो ऐसी रहेगा, और वी वाई का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों तरफ जे कैप के कॉफिशियंट कंपेयर करें तो यहाँ पर जे कैप का कॉफिशियंट ये है, तो आप लिखेंगे एम डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, और यहाँ पर जे कैप का कॉफिशियंट आपको ये देखने को मिलेगा जो कि है माइनस क्यू बी वी एक्स। अब की बार भी हम एम को नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाय एम वी एक्स, ये थर्ड इक्वेशन होगी। दोनों तरफ अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम डी वी एक्स बाई डी टी, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पहले एक काम नोट करना है आपको, के कैप का कोफिशिएंट भी कंपेयर करना है। के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है एम डी वी जेड बाई डी टी, और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट जीरो है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है बट एम तो जीरो हो नहीं सकता, मीन्स डी वी जेड बाई डी टी जो है वो जीरो के बराबर होगा। अगर वी जेड का टाइम डेरिवेटिव जीरो है तो मीन्स वी जेड जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है
जो कि थी हमारे पास जेड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कांस्टेंट है, मींस यहां पर dvz by dt जीरो है। ये क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग जेड डायरेक्शन वो जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है जेड डायरेक्शन के अलोंग, तो ऑब्वियस है फोर्स भी जीरो के बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो जेड डायरेक्शन के अलोंग मींस जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में प्लाज्मा पार्टिकल को किसी भी प्रकार की फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा पार्टिकल की जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। इस पॉइंट का हम बाद में यूज करेंगे, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डीवी बाई बाई डी टी की वैल्यू मिली है माइनस क्यू बी एम वी एक्स, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर, तो ये पूरी टर्म जो है वो वी एक्स की टर्म्स में आ जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 3 into 2 वी गेट, तो आप यहाँ पर डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई एम, और इस डी वी वाई बाई डी टी की जगह आप लिख देंगे माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर वी एक्स। इस टर्म को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई एम का स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जो आपको यहाँ पर dvx by dt की वैल्यू मिली है ये वाली इन टर्म्स ऑफ vy, इसको आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर, तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो vy के टर्म्स में आ जाएगी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 4 वी गेट डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम, और इसकी जगह आप लिखेंगे क्यू बी बाई एम वी वाई, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम स्क्वायर वी वाई। तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी by m का whole square v y is equal to 0। ये 7th equation होगी। तो students अगर आप ध्यान से 6th और 7th equation को देखते हैं, तो ये equation जो है differential equation of simple harmonic motion की तरह आपको लग रही है। differential equation of simple harmonic motion होती है d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। means यहाँ पर जो simple harmonic motion है वो कौन execute करेगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx और y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy एग्जीक्यूट करेगा। मींस यहां पर जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वो टाइम के साथ ऑसिलेट होगी, और ऐसा मोशन आपको कहां पर देखने को मिलता है, जहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार ऑसिलेट कर रही हो, लगातार अपनी वैल्यू चेंज कर रही हो, ऐसा आपको देखने को मिलता है सर्कुलर मोशन में। तो यहां पर हमें यह तो पता चल गया कि vx और vy जो है वो यहाँ पर सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करने वाला है, पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करने वाला है। उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, वो अभी निकालना बाकी है। पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 6 एंड 7 विद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन d2x / dt² + ओमेगा स्क्वायर x = 0। यहां पर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर लिखा है, और इन दोनों इक्वेशंस में ओमेगा स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है qb by m का होल स्क्वायर qb by m का होल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी qb by m का होल स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ qb by m का स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस qb by m। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ qb m b by m। मॉड ऑफ q क्यों लगाया, क्योंकि q की यहां पर दो वैल्यू रहने वाली है, प्लस q एंड माइनस q। प्लस क्यू पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए, और माइनस क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि प्लाज्मा में पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि हमारे पास साइक्लोट्रॉन के केस में आती है। साइक्लोट्रॉन जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, जिसमें अगर आप पॉजिटिवली चार्ज आयंस को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो जब आप वहां पर चार्ज पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी निकल के आती है पार्टिकल्स की वो इतनी निकल के आती है
ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम, इतनी निकल के आती है साइक्लोट्रॉन के केस में, और यहां पर भी इतनी ही निकल के आ रही है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब यह है कि इस ओमेगा को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसके सब्स्टिट्यूट में ओमेगा सी लगा देंगे, यहां पर ओमेगा सी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम 8th इक्वेशन दे देते हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी 6th इक्वेशन थी उसमें हम qb by m square की जगह ओमेगा c square लिख सकते हैं, तो ये 6th इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2vx by dt square plus ओमेगा c square vx is equal to 0। तो स्टूडेंट्स ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें vx की वैल्यू देगा और उस वैल्यू ऑफ vx को हम कैसे लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें vx की वैल्यू देगा, उसे हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर e की पावर आइटा ओमेगा ct, जहां पर v परपेंडिकुलर जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है जो कि डिनोट कर रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो कौन से प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ही जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। वेयर बी परपेंडिकुलर अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट डिनोटिंग द स्पीड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ये हमारे पास स्पीड है पार्टिकल की किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जो कि है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास। vx को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं dx by dt is equal to v perpendicular e की पावर आइटा ओमेगा ct, दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा dx is equal to v perpendicular e की पावर आइटा ओमेगा ct dt। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि dt को हमने उधर भेज दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx v परपेंडिकुलर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर आइटा ओमेगा ct dt। हम मान लेते हैं जब टाइम जीरो था तो x की वैल्यू जो है वो x नॉट थी, और जब टाइम t हुआ तो x की वैल्यू होगी हमारे पास x, तो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x लिमिट्स आ जाएंगे x 0 टू x इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर e की पावर आइटा ओमेगा ct का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर आइटा ओमेगा ct बाय आइटा ओमेगा c 0 टू t। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस आयटा ओमेगा सी को बाहर लेंगे, इस आयटा ओमेगा सी को बाहर लेंगे और आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आयटा वी परपेंडिकुलर आयटा स्क्वायर ओमेगा सी हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर आयटा ओमेगा सी टी, तो जब आप टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ई की पावर जीरो, तो आयटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस आयटा वी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी माइनस वन ई की पावर जीरो जो है वो वन होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो वन से बहुत बहुत ज्यादा निकल के आती है, तो वन को हम इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे नाउ ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी जो है वो वन से बहुत बहुत बड़ा होता है, तो इस वन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो एक्स माइनस एक्स जीरो की फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस आइटा वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी। तो स्टूडेंट्स ये जो वी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो रेडियस जिस रेडियस में हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करने वाला है, और इस रेडियस का स्पेशल नेम होता है उसे हम बोलते हैं लार्मर रेडियस, जिसे हम आर एल से डिनोट करते हैं, बी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू आर एल, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, तो बी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी की जगह आप आर एल पुट कर दो तो आपको मिलेगा एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस आइटा आर एल ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी, ई की पावर आइटा ओमेगा सी टी को हम कॉस साइन के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ओमेगा सी टी प्लस आइटा साइन ओमेगा सी टी, माइनस आइटा आर एल को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा माइनस आइटा आर एल कॉस ओमेगा सी टी माइनस आइटा स्क्वायर आर एल साइन ओमेगा सी टी, आइटा स्क्वायर माइनस वन होता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो उसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस आइटा आर एल कॉस ओमेगा सी टी प्लस आर एल साइन ओमेगा सी टी। अगर हम दोनों तरफ रियल पार्ट्स कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इधर रियल पार्ट सिर्फ एक्स माइनस एक्स जीरो है और इधर आपके पास रियल पार्ट है आर एल साइन ओमेगा सी टी, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयटा है यहाँ पर, तो x माइनस एक्स जीरो आ गया आर एल साइन ओमेगा सी टी, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। एक ऐसी ही इक्वेशन हमें y की टर्म्स में बनानी है, तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारी नाइन्थ इक्वेशन है इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग नाइन विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो आपको मिलेगा dvx by dt is equal to v perpendicular constant है, e की पावर आइटा ओमेगा सी टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, e की पावर आइटा ओमेगा सी टी इनटू आइटा ओमेगा सी, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी dvx by dt qb by m vy, तो यहां से अगर हम vy की वैल्यू निकालें, इस qb by m को उधर भेज दें, तो ये बन जाएगा m by qb dvx by dt, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। यहां पर हम dvx by dt की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ये निकाली है 11th इक्वेशन में, और साथ के साथ इस m by qb को भी किसी चीज से रिप्लेस करेंगे, ओमेगा c था हमारे पास प्लस माइनस qb by m, तो अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करें तो 1 by ओमेगा c क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m by qb हो जाएगा। इस प्लस माइनस को हम इधर भेज देते हैं यहां पर, तो हमारे पास m by qb की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 by ओमेगा c आ गई, तो इस m by qb की जगह हम लिखेंगे प्लस माइनस 1 by ओमेगा c, तो इस m by qb की जगह हमने लिख दिया प्लस माइनस 1 by ओमेगा c, और इस dvx by dt की जगह हम लिख रहे हैं v perpendicular e की पावर आइटा ओमेगा c t आइटा ओमेगा c, तो ओमेगा c से ओमेगा c कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसी को आगे सॉल्व करते हुए हम बाकी का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम vy की वैल्यू को यहां तक निकाल चुके थे, vy को हम लिख सकते हैं dy by dt that will be equal to plus minus iota v perpendicular e की पावर iota omega ct, dt को आप उधर भेज दो, so dy will be equal to plus minus iota v perpendicular e की पावर iota omega ct dt। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy will be equal to plus minus iota v perpendicular इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर iota omega ct dt। जब टाइम 0 था हम मान लेते हैं y की वैल्यू y 0 थी, जब टाइम t हो गया तो y की वैल्यू y हो गई, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा y 0 टू y दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस i परपेंडिकुलर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक बार आइटा ओमेगा ct बाय आइटा ओमेगा c, आइटा से आइटा जो है वो कैंसिल कर दो, ओमेगा c को बाहर ले लो, प्लस माइनस v परपेंडिकुलर ओमेगा c, यहां पर लिमिट्स पुट करके आ जाएगा y माइनस y 0, और यहां पर लिमिट्स पुट करके आएगा e की पावर आइटा ओमेगा ct माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है क्योंकि e की पावर आइटा ओमेगा ct जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, तो इस 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो y माइनस y 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और v परपेंडिकुलर बाय ओमेगा c को हमने डिफाइन किया था लार्मर रेडियस rl, तो उसकी जगह आप rl लिख देंगे, प्लस माइनस rl e की पावर आइटा ओमेगा ct, इसको आप कोसाइन के टर्म्स में लिखेंगे, cos ओमेगा ct प्लस आइटा sin ओमेगा ct, rl को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस y 0 प्लस माइनस rl cos ओमेगा ct प्लस माइनस आइटा rl sin ओमेगा ct। अगर हम दोनों तरफ रियल पार्ट कंपेयर करें तो आपको मिलेगा y माइनस y 0 प्लस माइनस rl cos ओमेगा ct, ये 13th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स 10th इक्वेशन में हमारे पास x माइनस x 0 rl sin ओमेगा ct आया था, तो उसके बाद हमने सारे स्टेप्स फॉलो करके हमने y माइनस y 0 प्लस माइनस rl cos ओमेगा ct निकाला। आप चाहे तो एग्जाम में 10th इक्वेशन के बाद सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं y माइनस y 0 प्लस माइनस rl cos ओमेगा ct। यहां पर rl जो है वो सिर्फ प्लस साइन के साथ आ रहा था, जबकि यहां पर rl जो है वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करते टाइम ओमेगा c आ रहा था बीच में, और ओमेगा c की तो जो ओमेगा सी की जो वैल्यू थी वो प्लस माइनस क्यूबी बाय एम थी, तो रेसिप्रोकल करके एम बाय क्यूबी की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय ओमेगा सी हो गई थी, इसलिए यहां पर प्लस माइनस का साइन आया। आप चाहे तो सीधा 10th इक्वेशन के बाद सिमिलरली करके ये लिख सकते हैं, आपके कोई भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे स्टेप्स आप सॉल्व करते करते यहां तक पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 10th एंड 13th वी गेट, तो x माइनस x 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा rl स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा ct, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस rl स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा ct। यहां से rl स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लो, तो ये रह जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपके पास x माइनस x 0 प्लस y माइनस y 0 का स्क्वायर इक्वल टू rl स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर होगा x 0 y 0 और जिसकी रेडियस होगी rl, RL यहां पर था v perpendicular by omega c, और omega c हमारे पास था mod q b by m, अगर हम m को ऊपर ले जाएं तो RL जो है वो m v perpendicular by mod of q b आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो larger radius है वो mass of the charge particle के directly proportional है, RL is directly proportional to m, क्योंकि ion का mass जो है वो mass of electron से ज्यादा होता है, तो जो radius होगी larger radius ion के लिए
वो इलेक्ट्रॉन की रेडियस से ज्यादा होगी। यहाँ पर आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे जिनका गाइडिंग सेंटर होगा x0 y0 और जिनकी रेडियस होगी लार्मर रेडियस RL। बट जो सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा आयन के लिए उसका रेडियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस से ज्यादा रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास इस तरफ है, बी वेक्टर है, और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस ब्लैकबोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है और इनवर्ड्स है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर हम इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल का, जिसमें आपका थंब जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और जो आपकी चार फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो आपकी पाम है, जो आपकी हथेली है, वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये आपकी होगी वेलोसिटी, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स जो है पार्टिकल को ऊपर की तरफ लगेगी, इस तरह से अंदर की तरफ लगेगी, इसलिए पार्टिकल जो है वो इस तरह से मोशन करेगा। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर आ गया, ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया पार्टिकल। अब यहां पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो जो आपकी पाम होगी वो फोर्स की डायरेक्शन आपको इस तरह से देगी, तो पार्टिकल घूम के यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से लगेगी। इस तरह से पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह से पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इसको आप सिंपली कैसे दिखाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिखाना है और उसके डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखानी है। ये सारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर किस तरह से शो किया गया है, राइट हैंड पाम रूल से शो किया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड। तो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं ताकि ये शो रहे कि जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का साइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ऑपोजिट होता है। तो ये अगर इस केस में एंटी क्लॉकवाइज मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर इसका रेडियस जो है आयन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रेडियस से ज्यादा बनाया गया है, इसका सर्कुलर ऑर्बिट आप ज्यादा बड़ा बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन का छोटा बनाएंगे, क्योंकि लार्मर रेडियस जो है आयन की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्मर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमने इसका सर्कुलर मोशन तो देख लिया है, अब जो प्लाज्मा है वो डायमैग्नेटिक क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए आप वो यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का, जिसमें आपका कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बताएगा और आपका अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो इसके मोशन की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो यहां पर देखिए ये चार्ज पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा। बी इंड्यूस जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, जिसकी वजह से जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था बी अप्लाइड वो अंदर की तरफ था। मीन्स चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, उसको रिड्यूस करने की का काम करेगा। और ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं कि वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो आपका जो प्लाज्मा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा और काम बचा है, वो हम खत्म करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट में क्या लिखेंगे आइए वो देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ गायरेशन इज ऑलवेज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ गायरेशन रहने वाला है, गायरेशन होता है रैपिड मूवमेंट इन अ सर्कल और इन अ स्पाइरल। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का सर्कल में मूवमेंट रहने वाला है वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। सो प्लाज्मा पार्टिकल्स देयरफॉर टेंड टू रिड्यूस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लाज्मा पार्टिकल्स क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करते हैं, उनको अपोज करने का काम करते हैं, इसलिए प्लाज्मा को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इन एडिशन टू दिस मोशन देयर इज एन आर्बिट्रेरी वेलोसिटी वी जेड व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी थी प्लाज्मा पार्टिकल्स की वो कॉन्स्टेंट थी। इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप टू डायमेंशंस में देखेंगे तो पार्टिकल का मोशन जो है वो सर्कुलर रहेगा, पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। बट अगर आप स्पेस में देखेंगे तो इस सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पर रोटेशनल मोशन के साथ साथ पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा जो कि जेड डायरेक्शन में होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी जेड। तो यहाँ पर जो शेप निकल के आएगी, जो ट्रेजेक्टरी निकल के आएगी चार्ज पार्टिकल की स्पेस में, वो एक हेलिकल पाथ जो है वो देखने को आपको मिलेगा। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल वी जेड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अलोंग जेड डायरेक्शन और साथ के साथ सर्कुलर मोशन भी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों मिलाकर आपको एक हेलिक्स की शेप यहाँ पर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस इन जनरल इज अ हेलिक्स। तो अगर आपको कोई पूछे कि चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, वो होती है हमारे पास हेलिकल ट्रेजेक्ट्री, हेलिक्स ट्रेजेक्ट्री। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास मोशन ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि प्लाज्मा पार्टिकल जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये आज के इस टॉपिक से हमें कंक्लूजन देखने को मिला। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्लाज्मा फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।